सबका स्वागत है एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। ये क्या हो रहा है? मैंने आपको कहा था बकरी को स्वेटर पहनाइए और आप यहाँ पे आके मेरे शो पे कब्जा कर रही है। मेरा तेरा क्या है, हम हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ आधा आधा होता है, मतलब हमारा है ठीक है, तो तुझे बंटवारा करना ना तो तरीके से करते ठीक है। ये घर मेरा, दादी तेरी, ये शो मेरा, बुआ तेरी, बोल। ये कैसे बंटवारा हुआ? सारी अच्छी चीजें खुद ले लिया, बुरी चीजें मुझे दे दी। अच्छी चीज है आपको, एक काम करते हैं, सिद्धू भाजी तुम्हारे, सिद्धू भाजी के पीछे वाली पूरी लाइन मेरी। खबरदार, अगर आपने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। क्या करेंगी आप? मैं पापा से कहकर आपको ठीक करवा दूंगी। जो चीज आपके पापा ठीक करते ना उसको गैस का चूल्हा कहते हैं। मेरा कहीं से बर्नर नहीं लीक हो रहा, समझ में आया ना? अरे यही, अपने बाप को ठीक कर जाके पहले। इसके बाप की आपको बात बताऊं भाजी, जिस दिन मेरी शादी थी बराती वहां पे अपने ड्रिंक मार रहे जो हमारे घर की तरफ से गए, उनको जाके बोलता भाई साहब एक एक हमें भी तो लगवाइए, हमें तो उतनी खुशी है और मुझे तो उल्टा ज्यादा खुशी, हमारी बेटी जा रही है अब उसके हिस्से की सब्जी भी हम खाएंगे। शादी का माहौल था, कुछ एक पैक ज्यादा पी ली होगी इसीलिए कुछ कह दिया होगा, लेकिन मेरे पापा पाजी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप भूल गए विदाई की वक्त कितना रो रहे थे वो मेरे लिए? तेरे लिए नहीं रो रहे थे, घोड़ी के पैर के नीचे हाथ आ गया था पैसे लूटते लूटते, इसलिए रो रहा था बुड्ढा। बड़ी यही। और बरात जब इनके घर में पहुंची, बरात वाले बेचारे खाना ढूंढे, कहे भाई साहब खाना, कहते आप दुल्हन लेने आए कि लंच करने आए? हद होती बेशर्मी की कोई। भूल गए तुम अपनी दादी को? पाजी इसकी दादी जिंदगी में पहली बार पनीर देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो सीधे पनीर के पतीले में कूद गई। तो पनीर था, ये था उसमें, कोई पनीर नहीं देखा। पनीर ढूंढने के लिए तो बेचारी ने पतीले में छलांग लगाई और इतने कमीने लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ओ हो, आप यकीन नहीं करेंगे पाजी, चार टुकड़े थे पनीर के, तरी में नाक बंद करके उसका मामा बैठा हुआ था, कहता घर का कोई मेन मेंबर आया तो हाथ से पकड़ा दूंगा, बेइज्जती कम होगी। अबे लानत है तुम्हारी फैमिली पे। चुप रहो तुम, जब देखो मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करते रहते हो। और पाजी ये खुद इतना ज्यादा बेशरम है, विदाई के अगले दिन जब मेरे मम्मी पापा ने इनवाइट किया, ये सूट के बदले साड़ी पहन के आ गया। तो जो तुम्हारे पिताश्री देंगे वही पहन के जाऊंगा मैं। पाजी इनको सस्ती साड़ियां मिली, सबको साड़ियां गिफ्ट कर दी। अबे दामाद को तो कम से कम सूट लेके दे दो, मेरे को भी साड़ी, मैं भी चला गया पेटीकोट पहन के, मेरे को क्या? ऊपर से इसके बाप की हरकत देखेंगे आपको भी शर्म आएगी। पाजी यहां तक पेटीकोट बांध के था, हाउस में गॉन लुकिंग। अबे लानो मर जाओ यार। अब जब देखो मेरे पिताजी की बेइज्जती करते रहते, अगर मेरे भाई ने सुन लिया ना तो आपकी खैर नहीं। कौन तेरा भाई? वो चार फुटी तेरा भाई, वो शुतुरमुर्ग का अंडा। मैं आपको बताऊं भाई, इसका भाई ये तेरी साइड में नहीं तेरा भाई, मैं तेरे को सच में बताऊं, मेरी शादी जब हुई ना हमारी, मेरी शादी से पहले मेरे को बोल रहा था, कहता भाई साहब अगर आपको 1,00,000 रुपए का दहेज दिलवा दें तो 10% मिलेगा मुझे, ये तो तेरे भाई की करतूत है। मैं उस भाई की बात नहीं कर रही। कौन? तो वो दूसरा वाला जो सिगरेट पीते पीते सो गया था, आधी मूछ जल गई थी। भाई की बात बता रहा हूँ, इतना कमीना पाजी, बैंड वालों को जाके पता क्या बोलता है? कहता जो इनाम हुआ आधा मेरे को दो, आपकी तो फूंक जा रही, मेरी तो बहन जा रही, बोलता है। मैं जा, किस भाई की बात कर रही हूँ? मैं उस भाई के बारे में बात नहीं कर रही। तो कौन? वो तुम्हारे चाचा का लड़का जिसको कुत्ते ने नाक पे काट लिया था, वो तो एक नंबर का डफर बाजी, कुत्ते ने काट लिया, धरना देने बैठ गया वहां पे, कहता जब तक कुत्ता रिटर्न में माफी नहीं मांगेगा मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। जा काम कर जाके अपना। शर्मा जी मेरा एक और भाई है, अगर वो यहाँ आ गया, अगर मैंने उसे यहाँ बुला लिया तो आपकी दुहाई ही दुहाई है, आए दुहाई हो जाएगी मेरी। हाँ। शामत नहीं है आपकी तो बुलाओ। बुला लूं? ठीक है, कहते हो तो बुला लेती हूँ, जरा पहले साइड हो जाइए प्लीज। साइड हट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों और सीटियों के साथ स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार सलमान खान का। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जब कहा कि जेंटलमैन, उसका मतलब था कि लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद इन्होंने लाइन कही कि उसका मतलब था कि जोरदार तालियां स्वागत कीजिए, उसके बाद जब इन्होंने काट दिया उसका मतलब था हमारे सबके लोकप्रिय सुपरस्टार सलमान।
जी भाई। मैंने मेरी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया, सौंपा। इसको इतना हट्टा कट्टा हमने घर से रुखसत किया, इतने बड़े बड़े होठों के साथ खिलाओ पिलाओ यार पत्नी को, तुमने इसके होठ ही चूस दिए। भाई सच में ये जानती है आपको? मुझे लगता है इसको रजाक खान नहीं जानता, इसको सलमान खान। एनीवेज सलमान भाई वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। मुझे ये शो जब से शुरू हुआ है ना बाजी, पहले एपिसोड से लोग पूछते हैं कि आपके शो में सलमान खान कब आ रहे हैं, सलमान खान कब आ रहे हैं, और मैं उनको बोलता भी था, मैंने कहा मैं तो एक मिनट में बुला लूं, मेरा फोन तो उठाएं। अच्छा भाई जब भी आपको फोन करें तो एक आदमी बोलता है कि पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण आपका फोन काट दिया जा रहा है, तो ये बंदा आपके ऑफिस में है कि कंपनी वालों का बोलता है? खुद बैलेंस भरवाने के पैसे है नहीं, बात ही जितनी मर्जी आप करवा। ये ग्राहम बेल की बेटी है ये। इनके पूरे मोहल्ले में एक ही लैंडलाइन है, वो भी डेड रहता है। ये ग्राम बेल नहीं, ये ग्राम पंचायत समझती है। दो ग्राम पंचायत। और कुछ? पौने ग्राम और कुछ? पौने ग्राम। ये आपके चक्कर में ना ज्यादा फुटेज ले रही, नहीं तो जितनी लाइन दो उतनी बोल के निकल जाती है। अच्छा आज सलमान खान ने तो जूड़ा भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना के आई पीछे। पीछे आधा किलो मधुमक्खियां रखी थी। क्या बोल रही थी आप? मतलब ये इतने बदतमीज आदमी हैं, इतने ज्यादा, मतलब मेरी कोई कदर नहीं करते, मेरी बेइज्जती करते, मेरी फैमिली की बेइज्जती करते, कोई परवाह नहीं है। उनको क्या कंप्लेंट कर रही है? उनको ये सब पछड़े में पड़ना आता ना, खुद ना शादी कर लेते। बता रही है। दुनिया में हर किसी को ये जानने की क्यूरियोसिटी कि अगर सलमान खान शादीशुदा होते तो घर में माहौल कैसा होता, ये सब कोई जानना चाहता है। तो एक सैंपल अभी देख लेते हैं। कैसे मतलब? सैंपल ही है, मान लीजिए मैं आपकी वाइफ हूँ, मान लीजिए। चल मान के मेरा एक नाइटमेयर रहा है जिंदगी भर के, एक हमारे घर में एक लेडीज काम करती हैं। नहीं नहीं, मैंने तो कब का छोड़ दिया है। वो कि यो ना कि माम ऐसे बेटर लाऊंगा, माम ऐसे बेटर लाऊंगा, माम ऐसे बेटर लाऊंगा करके, और इवेंचुअली जाके सबसे बेटर ये मिली। अभी यार भाई बुलाया है। हाँ, अभी तू भाई बोल रही थी तो ये कौन सा रिश्ता हुआ है? तो राखी थोड़ी ना बांधी मैंने, कह दिया पति व्रता। आदमी को आधा पौना घंटा लगता है बदलने में, दो मिनट में बदल गई तू। चलो मान लेते हैं, मान लीजिए चलो मान लो हो तो ठीक है। चलो चलो है ना बाजी, चलो मान लिया दो मिनट में क्या जा रहा है। आप अपने मियाँ जी के लिए चाय लेके आ रही हैं, बैठ टी सुबह सुबह ठीक है। हाँ चलो चाय लेके आओ। ये बैटी है बैटी है? ये बैटी तो बेड पे पिलाओ ना मेरे को। हाथ जोड़ तो सही तेरी चाय ना। क्या बोल रही हो? शादी के पहले तो आपने कहा था कि बेटी आप बनाकर मुझे खिलाएंगे। डोंट डिस्टर्ब मी अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था। कोई प्रॉमिस समझ नहीं किया था मैं तुमको, गले पड़ गई थी तुम, शादी करनी पड़ी तुमसे। पति के हाथ की चाय पीगी, मुंह तेरा केतली जैसा, चाय तुझे सलमान खान पिलाए। वाह शट अप, चुप रहो तुम। अच्छा सुनिए, वो केतली से ये कहाँ से लाओ यार? सुनिए, वो सुबह सुबह आपकी वो बुआ जी का फोन आया था अमृतसर से, उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है, तो कब चलना है? कभी नहीं, लाइफ में नहीं जाऊंगा। पति सलमान खान हो, बुआ कम से कम पेरिस से तो मंगवा। अमृतसर मेरी बुआ जी। कम से कम जिस लेवल का पति मारी उस लेवल का झूठ तो बोल दू।
तुम चुप रहो, पति पति के बीच में तुम मत आओ। और सुनिए, कल मैंने आपको 25 फोन किया, आप उठिए जरा। उठिए आप। ए बड़ा, इसलिए मैंने शादी नहीं किया। ये बहुत स्केरी मामला हो रहा है, ऐसा होता होगा। और ये इनका एक्सपीरियंस है, ये करती भी होंगी ये घर पे। बिना शादी किए वो करना पड़ता है। हाँ। वैसे कल मैंने आपको 25 बार फोन किया था, एक बार भी आपने फोन नहीं उठाया। शादी के पहले कहते थे कि जानू मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, क्यों नहीं फोन उठाया? जरूर आप किसी और के साथ होंगे ना, और परसों आपकी शर्ट पे वो लिपस्टिक का निशान भी था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं मायके चली जाऊंगी, मैं सच कह रहा हूं, मुझे रोकना, मुझे जा रही हूं, मुझे रोकना। जाती हो ओ जाने जाना आखिरी सलाम। अरे रुको। लेट इट गो भाई, इसका इतना ही था। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, जो काम मैं 5 साल में नहीं कर पाया 2 मिनट में कर दिया, इसीलिए सुपरस्टार। जोरदार तालियां एक बार अच्छा सलमान भाई, जब आप आने वाले थे चैनल की तरफ से, हमें इतनी लंबी लिस्ट आई कि आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे, आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि शर्ट उतार के दिखाइए। आप ही हमें कुछ सजेस्ट करिए, हम क्या पूछें आपसे? कुछ भी पूछ लो, जो पूछना। मैं यहाँ पे आपके बड़े सारे फैन हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं, आप शीशा देखते हैं तो आप देखते हैं कि सामने सलमान खान, फिर सोचते ओहो ये तो मैं ही हूं, कैसा फील होता है आपको? खुद ही सलमान खान है आप। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि जो, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं बड़ा नॉर्मल जैसे कि आप सब हैं, और जब मैं अपने आप को देखता हूं मैं इसमें क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। और जब मैं बाहर जो रिएक्शन देखता हूं आप लोगों का मेरे प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या देख लेते मुझ में, तो इट सेट्स मी टोटली ऑफ बैलेंस। मैं बताता हूं जो रिएक्शन है, मैं बताता हूं। कहते हैं जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है, जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत हैं, जो हर जंग जीत जाए वही सलमान जैसा सिकंदर। ये सिद्धू पाजी की और सलमान पाजी की डील हुई थी कि बिग बॉस में आप मेरा ख्याल रखना, यहां मैं। ये दिल से है, दिल से, दिल से। अच्छा सलमान भाई, आपके जितने भी सारे फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब आपकी फिल्में देखते हैं हमें आपकी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, कभी आपको ऐसा फील हुआ, कभी कोई रिग्रेट हुआ हो कि यार ये फिल्म ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, रिग्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है कि जब कोई फिल्म स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शोले है, ये फिल्म यू नो थिएटर से उतरेगी नहीं। और फिर जब हम बना रहे होते हैं तो हमको उस वक्त भी लगता है कि दिस फिल्म इज लाइक द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिल्म एवर, और फिर जब हम रिएक्शन देखते हैं थिएटर के अंदर उस वक्त रियलाइज होता है क्या ये बनाई क्यों हम लोगों ने। वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसी कोई फिल्म आपके दिमाग में है? वैसे दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के बारे में बोलना ठीक नहीं है, सोहेल की पिक्चर पकड़ लेता हूँ मैं। कौन सी वाली? वही पकड़ लो, जैसे हेलो ब्रदर पकड़ लो। हेलो ब्रदर जब हमने की तो हम बहुत हंसे, जब हमने स्क्रिप्ट सुनी फिर हम इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिए, और फिर उसके अंदर पादमा भी आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया उसके अंदर। ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही हिलेरियस पिक्चर बन रही है, और पिक्चर बन गई। ट्रायल्स हुए तो करीबन 60-70 ट्रायल्स हो गए, लोग सीटों से गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, लौट रहे हैं, वापस से रख रहे हैं, वापस से देखेंगे। तो हमने बोला क्या ये, वी थॉट दिस इज अ रिएक्शन, बट इतना बड़ा रिएक्शन हमको तो वी डिडंट एक्सपेक्ट नहीं, इसका प्रीमियर रखा जाए। प्रीमियर रखा तो जैसे कि ये रिएक्शन है ना। सन्नाटा, लिटरली शोले का डायलॉग याद आया कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और जिसके ऊपर ट्रायल थिएटर्स के अंदर इतनी हंसी के लोग वो ना के वीजिंग कर रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। मैं बोला सोहेल डिजास्टर, ये तो सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट में चलेगी और कहीं नहीं चलेगी।
किशोर मुझे बोलता है कि वेट 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 लेट्स सी अहेड. आई सेड नो यू विल गेट मोर डिप्रेस्ड. आई सेड कम आउट. और प्रीमियर में दोनों भाइयों ने डिसाइड कर लिया कि ये पिक्चर गई. हम लोग बाहर निकले एक ड्रिंक वाला. एक मुझे बहुत फनी इंसिडेंट आया यार कि जब आई थिंक वो अपने नीरज वोरा ही वाज प्लेइंग अ पुलिस इंस्पेक्टर एंड ही इज गॉट अ गैस प्रॉब्लम. तो ही फार्ट्स और थिएटर में से एक आवाज आई तोबा. Everyone was, oh my God, this is disgusting. How can anyone do this? जैसे कि खुद ने कभी नहीं छोड़ा होगा. सलमान भाई अभी जब आप अंदर आ रहे थे बड़े सारे लोग बोल रहे थे सलमान भाई की जय हो जय हो. क्या मतलब इलेक्शन इलेक्शन में खड़े हो? नहीं फिल्म रिलीज हो रही है जय हो. अब इसकी वजह से शायद खड़ा होना ही पड़े. हम हमारी फिल्म को एज अ फिल्म पब्लिसाइज करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एक वेव चल रहा है इसका. और है तो एक रिवेंज की स्टोरी. एक्शन फिल्म है एक अच्छे मैसेज के साथ. अब वो टाइटल जय हो इज अ ग्रीटिंग और जय हो इज ट्रीटेड लाइक यलगार. कोई अटैक चल रहा है कोई यू नो इट्स जार उस टाइप का चल रहा है मामला. इट्स अ सिंपल लव स्टोरी. एक्शन है कॉमेडी है ड्रामा है. मैसेज है इस फिल्म के अंदर कि अगर किसी ने आपको कोई फेवर किया हो तो आप यू नो तीन लोगों को और कर लो फेवर. सिंपल सी फिल्म है. अब क्योंकि टाइटल जय हो है और वो एक आम आदमी का डायलॉग आ गया पिक्चर के अंदर तो एक बहुत ही पॉलिटिकल एक आम आदमी किसका अरविंद केजरीवाल का डायलॉग है. खैर ये तो हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि सलमान भाई की फिल्म का इंतजार किस बेसब्री से रहता है और जय हो अब आपके सामने तैयार है. एक बार जोरदार तालियां जय हो के लिए. आज सारा स्टूडियो जो है ये सब आपके फैन से भरा पड़ा है. बाहर भी हैं बहुत सारे. हमेशा क्वेश्चन आंसर होते हैं अपने फेवरेट स्टार्स के साथ. सलमान भाई आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए. आप सब सलमान भाई के फैंस हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा फैन है जिसको ये लगता है कि मैंने सलमान खान के लिए हटके कुछ किया है मतलब जो किसी ने नहीं किया. जी भाई साहब हट पीछे गोगिया पाछा. सर मेरा नाम लॉरेंस है मैं बॉम्बे से हूँ. सर बचपन से बस आप ही मेरे फेवरेट हीरो रहे और हमेशा रहेंगे सर. मतलब अभी हाल से हमेशा रहेंगे सर. और मैंने बचपन में आपकी मूवी देखी थी मैंने प्यार किया और तब से लेके आज तक सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ मैं. आप बस आप ही हो मेरे अंदर सर. और जब मैं जॉब पे लगा सबसे पहली मैंने जो पेमेंट ली उसमें सबसे पहला मैंने मुझे खुद के लिए गिफ्ट की वो थी आपकी ये ब्रेसलेट. और जो यार आदमी पहले जॉब से खुद को गिफ्ट देता है. और सर मैंने 2009 में सुना था कि आपकी शादी होगी 2012 में तो मैं 2012 तक काफी नहीं, नहीं, हद तक 2012 में ये खबर आई थी दुनिया तबाह होगी शादी जी काफी शादी टाली 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 और आखिरकार 2012 में मुझे शादी करनी पड़ी. कंट्रोल नहीं हुआ. नहीं कर रहा सर. तो सर जब भी चर्च जाता हूँ मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ करता हूँ दिल से कि आप हमेशा सबके फेवरेट रहे और हमेशा रहेंगे और मत करो ऐसी दुआएं अगर लग गई तो. नहीं नहीं सर सबकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी. मेरी फैमिली में आपका बर्थडे हर साल मेरा बर्थडे नहीं मनाता हूं मगर आपका बर्थडे बहुत जोरों शोरों से मनाता हूं और क्रिसमस न्यू ईयर जैसा सेलिब्रेशन मेरे घर में होता है उसी तरह आपका बर्थडे बहुत जोरों शोरों से मनाता हूं सर. बस एक ही लाइफ में दिली ख्वाहिश है सर कि एक आप स्टेप वहीं पे आप एक और मैं यहाँ से करूँ उड़ उड़ दबंग दबंग का सर. प्लीज म्यूजिक प्ले करें. अच्छा आ गया गुरु. थैंक यू लॉरेंस. थैंक यू मैन आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू बड़ी.
तो आप सलमान भाई के इतने बड़े फैन हैं कि उन्हीं की फिल्में देखते हैं और किसी की देखते नहीं, उनके अलावा मैं जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है आप सदाशिव अमरापुरकर के फैन हैं। सर थोड़ा डरा डरा वैसे। अच्छा चलिए, थैंक यू लॉरेंस, आपकी जो भावनाएं वो बड़ी सच्ची हैं अपने फेवरेट स्टार के लिए, ऐसे ही दुआएं देते रहिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त आओ भाई, चंगू मंगू। हाय कपिल सर। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान सर। सर मेरा नाम शमशेर अली है और मैं इलाहाबाद से आया हूँ जी, और स्पेशली क्या मैं मेरी मम्मी ने हलवा बनाया है सलमान सर के लिए, तो मैं उन्हें देना चाहता हूँ, गाजर का हलवा है। अच्छा जी, तो सर ले आओ, ले आओ प्लीज। थैंक यू भाई, इधर चश्मा भी देखो पीछे। अब तुम लोग तुम लोग भाई है ना, भाई ना तुम लोग, सर पहले तुम लोग खुद चख लो अपनी मम्मी का हलवा। थैंक यू सर। ये लो, देखो तुम्हारे कॉमेडी में कोई फर्क पड़ता है कि सच बोलो सालो, किसने बनाया? सर एक छोटा सा शेर से, ये कलर मम्मी के हलवा का नहीं लगता, ये पीछे किसी प्रोडक्शन वाले ने बना के दिया है। साधु राम हलवाई। टेस्टी तो है भाई, बहुत टेस्टी है। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, एक डांस छोटा सा आपके लिए, आ गए तो स्टेज पे इतना तो पूरा कर लेंगे। हाँ करो ना, शुरू करो ना तुम जी। शुक्रिया, शुक्रिया शमशेर अली जी। ऐसा लग रहा है तुम्हारी पैंट में पिच्छू घुस गया। ये गाजर का ले जाओ यार। एक काम कर लो, मम्मी को भी टेल करो थोड़ा सा गाजर का। नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट टाइम जी। कोई थैंक यू सो मच। मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया, क्या इमोशन लेके आया आदमी। नहीं भाई, आपने ना उनकी ड्रेस के साथ इमोशंस मैच नहीं किया एक्चुअली। इंडियन वेयर पहना था ना सलवार कमीज, फिर आके बोलते कि मम्मी ने बनाया, तो फिर बात काबिले हजम थी जी। कोई और हमारे भाई हो जी, जटाधारी। हेलो कपिल सर। हेलो सलमान सर। सर मैंने आपके लिए एक एक्ट तैयार किया है सर, सो कैन आई एक्ट ओवर हियर? Come. And show you sir something. आजो. Sir आपको कुछ, sir आपको कुछ भी, कुछ जरा सा भी blink होता हो तो sir please मुझे आप अपना चेला बना लीजिए sir, please sir.
बहुत अच्छे इनक्रेडिबल 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 ऐसा मत नाचो आप आइडिया दे रहे हो रास्ते साफ कराने लगा देंगे आपको लोग नहीं वाकई ये जो आप स्टेप कर रहे थे ये आप कर रहे थे कि कमजोरी की वजह से हो रहे थे पर जोक्स अपार्ट ब्रदर बहुत बढ़िया किया आपने थैंक यू सो मच शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सर सलमान भाई मुझे लग रहा है मेरी भुआ आ रही वो आपकी इतनी बड़ी फैन है ना अगर सीधा उसने आपको देख लिया उसको मिर्गी भी पड़ सकती है तो मैं पहले मामला सेट करता हूँ फिर आपको लेके आता हूँ आप प्लीज यहाँ पे चुप जाइए वो आ गई ना आप यहाँ पे पता है? क्या आज मुझे मिलने के लिए सलमान खान आ रहे हैं तुझे कैसे पता चल गया सलमान खान आ रहे हैं हाँ मुझे कैसे नहीं पता होगा मैंने ही तो उन्हें बुलाया है पता है उन्होंने मुझे इंटरनेट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तेरा दिमाग खराब हुआ सलमान खान के 2.5 लाख आईडी बने हुए हैं तेरे को पता है तू ऐसी नेगेटिव बातें करता है इसीलिए तेरा काम नहीं चलता बदतमीज कहीं का सुन क्या तुझे पता सल्लू ने आज तक शादी क्यों नहीं की क्यों क्योंकि वो चाहता था कि पहली प्रपोजल मेरी तरफ से उसे जाए आप लोगों को पता है वो आज मुझे मिलने के लिए कार आने वाले हैं सलमान खान नहीं है ये तो झाड़ू को ऐनक लगा दिए किसी ने बिट्टू ये कौन है मेरे को तो मुझे लगता है ये सलमान का ड्राइवर होगा मुझे तो लगता है उसकी गाड़ी की चाबी है मैं सलमान हूँ क्या तू सलमान है अबे जा भगवान को जान देनी तूने तो सबसे पहले देनी क्यों झूठ बोल रहा है सलमान का ब्रेसलेट तेरे से भारी होता है सलमान हूँ मैं और ये किस एंगल से सलमान लग रहा है कमजोरी की औलाद चल भगा इसे अरे इसे भगाने क्या जरूरत है तू एग्जॉस्ट फैन ऑन कर अपने आप निकल जाएगा ये तुम दोनों क्या गुटर पुटर कर रहे हो देखिए भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ देखिए इधर गिरना जा देखिए आपको एक बात बताऊं कि शो वो चलते रहेंगे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे आपको जनहित में सूचना जारी करता हूं कभी आप जहाज में सफर करें ना तो उसका टॉयलेट यूज करें तो उसको फ्लश नहीं करना बाहर एयर होस्टेस को आगे बोलना आपने क्योंकि कमोड़ ने सक कर लिया तो पता नहीं जहाज के किस कोने में घूमते रहोगे आप सुनिए मेरे पास भी आपके लिए एक सजेशन है अपनी इस बॉडी को ना लैमिनेशन करा लो हाँ बारिश में जाओगे ना तो अलग अलग जगह छेद हो जाएंगे पता नहीं चलेगा सांस कहाँ से लूँ और ए, मेरी बॉडी मत देखो मेरी हिम्मत देखो तेरे। देखो मैं अपने गांव में ये बोल के आया हूं कि मैं दुल्हन अपने साथ में लेके ही आऊंगा खाली हाथ वापस नहीं जा सकता ओए खाली हाथ जा भी मत ऐसा कर आधा किलो चीकू ले जा एक किलो तो तुझसे उठाए भी नहीं जाने वैसे एक बात बताइए भाई साहब ये कैसे छुरी जैसे घुटने आपकी आपकी रजाई तो रोज फट जाती होगी इतनी बेइज्जती अब शक्ल देख जैसे टांगे वाले ने आम चूस के फेंक दिया होता है ए भाई साहब बिट्टू से गुस्सा आ गया गुस्सा नहीं करना बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी आपके रुकिए एक सेकंड ए एक भाई साहब फोन वाइब्रेशन में लगाया हुआ था आपने देखिए
वाइब्रेशन तो छोड़िए, आपको तो रिंग पे भी नहीं लगाना चाहिए भाई साहब। कोई भी कॉल जान से ज्यादा कीमती नहीं होती है। अच्छा, थैंक यू। इतना समझाया, अब दोस्ती तो हो ही गई, तो अपनी बुआ को समझाओ। अब ये शादी करने से क्यों मना कर रही है? अरे इसी ने तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजा था कि ये मुझसे शादी करना चाहती है। ओ इनबॉक्स की बात कर रहा है, मुझे क्या पता था मैच बॉक्स में से तिल्ली निकल आएगी। सुन मेरे भाई, जरा देख अपनी पर्सनैलिटी देख मेरे भाई। उतनी चमड़ी तेरे शरीर पे नहीं जितनी लेदर की जैकेट में, तेरे को पता। ये लेदर की जैकेट उधेड़े देना, चार बंदे बन जाए। और ये बेल्ट क्या कितना बड़ा बक्का लगाया तूने, रेल के इंजन के पास जाना, चुंबक लगी खींच लेगी तेरे को अपनी तरफ। क्या कैसे ये? अरे ऐसे कैसे खींच लेगा इंजन? अरे मैं करोड़पति आदमी हूँ, बड़े बड़े इंजन देखे हैं। क्या करोड़पति? अरे फूफा जी मेरी बात सुनिए। हुआ मैं तो कहता हूँ इससे शादी कर ले, अच्छा निकला तो ठीक, नहीं तो इसका बेसन लगा के पकौड़ा निकाल के दादी को खिला देंगे। किसी को कानो कान नहीं पता चलेगा दूल्हा कहाँ से आया, किधर गया सुबह। ओए ऐसे कैसे इससे शादी कर लूं? मैंने प्यार से इसे पीछे से सरप्राइज दिया ना हो करके, इसने तो वहीं के वहीं मर जाना है। वैसे भाई साहब एक बात बताइए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें मतलब कितनी जमीन होगी तकरीबन? ये तो उन बैंक वालों से पूछना पड़ेगा जिनके पास गिरवी रखी है। गिरवी? गिरवी? बड़ा गिरा हुआ इंसान है, बिट्टू भगा दे इसे। ऐसे नहीं जाऊंगा, अब मूड बन चुका है, अब तो मैं शादी करके ही जाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरी बात सुन ले। क्या बात है, किसी बच्चे से थप्पड़ मरवा देना कमिटमेंट के बाद का, कमिटमेंट के पहले भी नहीं किसी की सुनेगा तू। ना बिट्टू, इसे हाथ मत लगाना वरना खून का इल्जाम आ जाएगा तेरे पे। हम ऐसा करते हैं, फूंक मारते हैं। हैं? नहीं नहीं, फूंक मत मारना। कैसे कर रही है लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ इंटरनेट पे? मुझे नहीं लगता कि इस जिंदगी में मैं सलमान खान को मिल पाऊंगी। अगर मेरे जाने के बाद तुझे सल्लू जी मिले तो उन्हें कह देना कि मैं उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती थी। तूने मुझे इमोशनल कर दिया, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें सलमान खान से मिलवा के रखूंगा, और वो भी आज के आज, अभी के अभी। पुलिस क्यों ना हो जाए, उसे बेवकूफों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बुआ तू ऐसे नहीं मानेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलमान खान का। सुनिए, इधर आइए जरा, मुझे ना आपसे एक प्राइवेट में बात करनी है। नो बेटू, यस। जिस इंसान की मैंने 16 साल तक वेट की है वो मेरे सामने है, मैं उससे बात किए बगैर कैसे रह सकती हूँ? बुआ रहने दे। शट अप शट अप शट अप। सुनिए सलमान भाई। नो प्रॉब्लम। मैंने आपकी फिल्म जयहो देखी थी, उसमें तब्बू जी ने भी तो आपको भाई कहा था, हैं? और वो तो मुझसे 22 ईयर बड़ी है। क्या बात कर रही बुआ? और क्या, तब्बू तुमसे 22 साल बड़ी है? यस। सलमान भाई ये इतनी पुरानी है, इनको आपके पापा सलीम अंकल ने शोले फिल्म में मौसी के रोल के लिए साइन किया था। क्या बात कर रहे हो? पर तब उन्होंने फिर फाइनल साइन नहीं किया था, क्योंकि कहते थे मौसी के रोल में थोड़ी ये बड़ी लग रही थी। सिद्धू जी ये झूठ बोल रहा है, तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, जब शोले फिल्म आई थी ना। यस। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता था, शोले आई थी 75 में, तब 10वीं पढ़ती थी, सोचो। सलमान जी
इस इंसान की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। हाय, आप इंडिया के सबसे मोस्ट वांटेड हैंडसम लड़के हैं और ये मोस्ट अनवांटेड फीमेल बैचलर। बुआ तुझे पता है वो 40 के होके 20 के लगते, तू 50 के होके 55 की लग रही है। ओए मेरे वेट की बात मत कर तू। वेट की नहीं, मैं तुम्हारी एज की बात कर रहा हूँ। तेरी माँ का कांचा चीना। बकवास कर रहा है, अभी इधर बोलना ना तो दर में तेरे एक चांटा कस के मारूंगी। सुनिए सल्लू जी, देखिए अभी आप में और मुझ में और क्या क्या चीजें बराबर है, हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने भी शादी नहीं की, मैंने भी शादी नहीं की, इसलिए हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों में। अगर हमने शादी कर ली ना तो फिर बहुत सारे लड़के लड़कियों का दिल टूट जाएगा, है ना। इसलिए ना मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने एक आइडिया लिया है। मैं क्या सोच रही हूँ कि हम एक कसम खा लेते हैं। आर यू रेडी गाइज, हैं? लाइए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ओह माय गॉड की कसम, सलमान खान मुझे टच कर रहा है। एनीवेज देखिए मैं जो भी कहूंगी ना आपको उसे रिपीट करना है, ओके? चलिए हम दोनों आज ये कसम खाते हैं, हम दोनों आज ये कसम खाते हैं कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, और अगर शादी करेंगे तो, और अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। ये कॉमेडी में भी नहीं बोला जा रहा है। कसम क्या कुछ और खा सकता हूँ क्या? लाइक जहर। कौन है ये आदमी? सुनिए, आई एम सो सॉरी, ये ना मुझसे फ्लो फ्लो में क्या हो गया। लो जी जहर खाएं आपके दुश्मन। अच्छा चलिए शादी मत कीजिए, मतलब वैसे ही आप इस घर में आना जाना रखिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मार गए। ओके ओके, थैंक यू गाइस, ये ठीक है। माय गॉड की कसम मान गए। चलिए मैं आपकी वेट कर रही हूँ उधर। थैंक टू यू। ध्यान से पीछे देख के चल, गिरना जाना। ओके ऐसी भाई भाई, ये मेरी बुआ तो जैसी है वैसी है। आपको वैसे कैसी लड़कियां पसंद है, मतलब इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, जो सब कुछ खाना बना लेती हूँ? मुझे कॉन्टिनेंटल मेरा घर है ये क्या मतलब? लग भी रहा है, वरना इतना साइडी सा घर सलमान खान का नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, आप बड़ी बदतमीजी से पेश आ रही हैं। एक तो हमारे घर में जबरदस्ती घुसाई आप। देखिए घर घर में जाकर प्रोडक्ट बेचना, यही तो मेरा काम है। आपको पता है सलमान जी, मैं ना मुंबई में हीरोइन बनने आई थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे डायपर कंपनी में जॉब मिल जाएगा। और आजकल आजकल ना मैं डोर टू डोर जाकर ये डायपर बेचती हूँ। डायपर काट पटा के। आपकी कंपनी का ऑफिस कहाँ है मैडम?
अभी तो फिलहाल मेरे बैग में ही है, जब 30 के 30 डायपर बिक जाएंगे तब सोचूंगी कि ऑफिस कहाँ रखना है। भाई मैंने तो लगाना छोड़ दिया, 2-3 महीने हो गए। वैसे न्यू है? हाँ एकदम नया सर, एकदम अनयूज्ड। हमने इसके ऊपर एक एड भी बनाया है। वाओ, चेक पटाका डाल। सलमान जी, मैंने ना हमारा एक एड है, मैं आपको वो एड दिखाऊं एक्ट करके, आप मेरी एक्टिंग भी देख लेंगे, आप पे बहुत जच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाई, ये दो मिला केक बन जाएगा ये। अरे मैं तो, हम लोग तो जब छोटे थे हमें तो मिले ही नहीं कभी, हमें तो हमारी माँ अपना ही दुपट्टा काट उड़ के बांध देती थी, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरे एड की जो माँ है ना, वो अपने बच्चे को नहीं अपने पति को भी पहनाती है। आपको एड दिखाऊं? एड दिखाऊं? एड भी बनाया आपने? हाँ जी, एड भी बनाया। बताइए, आप पकड़ेंगे? थैंक यू, वन सेकेंड। चुन्नू 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 चुन्नू, तुम बहुत खा रहे हो, डायपर पहना कि नहीं? कैसे पहनूं मम्मा, डायपर तो पापा पहन के चले गए। देखा आपने, ये निराला डायपर कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी और बड़ा भी। इसलिए आज ही अपने पूरे परिवार के लिए ऑर्डर कर दीजिए चटपटाके डायपर्स, चटपटाके 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 डायपर्स, चटपटाके डायपर्स। मैडम एक बात बताइए, ये चूरन जैसा नाम क्यों रखा हुआ आपने डायपर का? चटपटाका डायपर पहली बार सुना मैंने। ओए खबरदार, मेरे डायपर को चूरन से कंपेयर किया तो, चूरन जो चीज नहीं रोक सकता वो मेरा डायपर रोक सकता। अब तो मैंने आपको जिंगल भी सुना दिया, मेरे डायपर खरीद लीजिए ना प्लीज। खरीद क्या, पहन भी लूंगा। ओह माय गॉड, मैडम आप भी क्या हो, पहनना आता नहीं है। वो पहना देंगे, वो एक्सपर्ट हैं। मैडम आप भी किन बातों पड़ गई, सलमान खान आपके सामने इतनी नई लड़कियों को चांस देते, आप मेरे को टैलेंट है तो दिखाइए ना, कहाँ डायपर बेचने का, मेरे को तो मैं बेच दूंगा लाइए। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना चैलेंज दिखाऊं तो आप मुझे अपनी फिल्म में ले लेंगे? जरूर लेंगे। ओके, मैं दिखाऊं, मैं डांस करूं? हाँ जी, हाँ जी प्लीज। ओके, खुल के करो। कैन आई डांस विथ यू प्लीज? म्यूजिक। सलमान जी, आपको मेरा डांस कैसे लगा? बहुत अच्छा। मैं अपना डायपर बेचना चालू रखूं कि आपका फोन आएगा? एनीवेज, मेरा बैग दे दीजिए। इनका फोन आए ना, मेरा तो जरूर आएगा। काश मेरे पास मुंह बंद करने का डायपर होता, तो इसे बीच में बोलने की आदत जरूर है। आप बोलो, मैं मुंह पे लगा लेता हूँ, हुक्म तो करें। डायपर रख लो अपने पास, लगा लो अपने मुंह पर। और मैं ना वो शेरा को अपना नंबर देकर जा रही हूँ, वो शेरा से नंबर ले लेना वरना शेरा का ही फोन आ जाएगा। ठीक है, फोन करना। ओके, ऑलवेज। ओह माय खैर सलमान भाई, ये तो रही मजाक की बात है, लेकिन आपके फैंस आपको हक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आप एक एक करके सलमान भाई से बात कर सकते हैं। अरे वाह,
पिंकिटी पू बहन। हाय सलमान सर। टमाटर लेके आई है आपके लिए। टमाटर नहीं है, वो बेर है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी पूरी फैमिली, मेरे दो छोटे बच्चे, मेरे हस्बैंड, वो भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं अभी क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुलेल तो ये क्या लेके आई है? गुलेल गुलेल लेके घूमी। मेरी फेवरेट फिल्म है हम आपके हैं कौन, उसमें दीदी तेरा देवर गाना है आपने माधुरी दीक्षित को गुलेल दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये बेर लेके आई है, वहां से बेर लग रहे थे। हमें लगा खाने के लिए लेके आई है। मुझे लगा इतनी बड़ी फैन है, फ्रूट को छोटे छोटे लेके आई है, इसका क्या करें हम? अच्छा, आपको गुलेल खानी है सलमान जी से? वाह, तो हमारे हाथ से कोई बेर भी नहीं खाता, इनके हाथ से गुलेल खानी है मुझे। उसके लिए दो शब्द। नाम क्या आपके बेटे का? प्रीत और एक मीत। प्रीत और मीत, खुश रहो यार, बी हैप्पी, स्टडी हार्ड, बी गुड। इसका क्या करेंगे जो आप साजिश करके लाएंगे? और प्रीत और मीत, बुरा मत मानना, मैं आपकी मम्मी को इनोसेंस देखी बाजी। हाँ। कि उनको सलमान से मिलना भी था, ये डांस मूवमेंट भी करना था, लेकिन उनको दो तीन स्टेप आते थे, जैसे उनको बोला ना कि स्टेप खत्म हो गए थे। हाँ। जैसे ये तंता था एक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये गुलेल आपके हस्बैंड के काम आएंगे। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो सलमान जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और ये मेरे भाई है जो 32 इयर्स के हो चुके पर ये शादी नहीं करना चाहते, तो आप अगर कन्विंस करें तो ये शादी कर ले। यार मैं अपने आप को भी नहीं कन्विंस कर पा रहा हूँ। इसीलिए तो आप भी शादी करें और इन्हें भी मनवाइए। शादी नहीं करना चाह रहे हैं, कोई लड़की नहीं मिल रही। वो उनसे ही पूछिए, उनसे ही पूछिए। दोनों कैसे हो सकता है? तो लड़की अच्छी मिल जाएगी तो 32 के हो, तो लेट हो गया तुमको यार। हैं? लेट हो गया। अभी आप ही सलमान जी, अब ये मेरे एक ही भाई है और मैं उनकी शादी में डांस करना चाहती हूँ, खूब धमाल मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं शादी के लिए। अपने डांस के लिए उनका जिंदगी क्यों खराब कर रही है आप? शादी से जिंदगी खराब नहीं होती, हम लोगों ने अगर, है अगर बहन को डांस करते हो देखना तो कर लो, क्योंकि एक आध दो साल ही है डांस कर पाएंगी, नहीं तो उसके बाद तो नहीं नहीं होता है, तकलीफ हो जाती है जोड़ों वगैरह में एज के साथ। देख लो जरा अपनी बहन का, बहन का ख्याल, अगर एक ये ख्वाहिश है तो पूरी कर लो, नहीं तो बहुत खराब लगेंगी उस उम्र में डांस करते हुए। आप कभी कर रहे हैं? मैं जब मूड आया कर लूं, अभी मूड बन नहीं रहा है शादी का। भाई की तो करवा लो पहले। अब इनके भी तो प्रॉब्लम है। आजकल तो पता क्या हो गया, आजकल लड़के को एक आम भारतीय नागरिक को सेटलमेंट करते करते 30-32 तो वैसे हो जाते, अभी 32 के हुए फिर क्या हुआ, ये कौन सा 33 में नेटवर्क छोड़ जाएंगे, करना अभी करवा दीजिएगा आराम से। और ये डरे हुए क्यों इतने, क्या हुआ, डरे हुए कुछ देख लिया आपने? सलमान सर को देख के खुश हो रहा हूँ मैं। ये खुशी वाला एक्सप्रेशन है? हाँ। थोड़े दुख वाले दीजिए जरा। नहीं सच में आप, आपको देख के लग रहा है आप घबराए हुए हैं, आपने कुछ देख लिया लेकिन बता नहीं रहे क्या देखा है। सलमान सर को लाइव देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम, इसके लिए एक्साइटेड। शादी क्यों नहीं कर रहे आप शादी? सर अभी तक के कोई सही टाइम मुकर्रर नहीं हुआ। अब तो माइक को भी इतने दूर पकड़े हुए तो कैसे होगी तुम्हारी शादी यार? अभी तक के सही टाइम कोई मुकर्रर नहीं हुआ है।
कि ये माइक नहीं काट खाए। वो तो इसलिए ऐसे पकड़ते क्योंकि शोल्डर वोल्डर चौड़े हैं, आपके तो बीच में है भी कुछ नहीं। कहाँ से हैं ब्रदर आप? अंधेरी सर। हाँ जी, अंधेरी से। अंधेरी से? जी सर। तो कहीं रोशनी में आओ शादी करो। सर आप सर की दुआ रहेगी तो अभी अभी ये पूछो कि काहे को आया मैं यहाँ पे, दिमाग में क्या चल रहा है ये ना कि क्यों आया मैं यहाँ? नहीं सर, आपको देख के सर ऐसा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या बोलू क्या नहीं बोलू सर के सामने। कुछ इतने कंफ्यूज है कि हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या बोले हम। कैसी लड़की चाहिए बताइए, मैं अभी टीवी पर बोल देता हूँ, हम मिल जाएंगी आपको, बताइए किस तरह की। जो मेरी बहन पसंद करे वो हिसाब से शादी कर लो। भाई जब बहन के लिए जीजा देखना था आप गए थे पसंद करने? नहीं। तो फिर उन्होंने अपना पसंद किया, आप अपना करिए। हाँ तो जो मेरी फैमिली डिसाइड करेगी सर मैं वो हिसाब से शादी कर दूंगा सर। भाई इसका मूड ही नहीं बहाने बना रहा नहीं बल्कि इसका मूड है। अच्छा हाँ, कैसी कैसी हाउसवाइफ चाहिए सर? हाउसवाइफ चाहिए जी सर। ऐसे वर्किंग वुमेन क्यों नहीं चाहिए? नहीं जो फैमिली को सपोर्ट करे, साथ अच्छी मेड रख लो घर पे। हाँ सर फैमिली को क्या सपोर्ट करे, फैमिली इलेक्शन में खड़ी है। नाइस खाना वाला अच्छा बनाए। हाँ सर। कुक रख लो अच्छा एक। नहीं सर। नहीं कुक में भाई वो बात का अब कुक खाना तो बना देगा, हनीमून पे थोड़ी ना कुक के साथ जा सकते। चलिए मैम हमारी बेस्ट विशेज हैं आपके भाई के लिए, कोई खूबसूरत सी लड़की मिले, आपकी भाभी मिले, आप नाच के शौक पूरा करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय कपिल। हाय सलमान। कपिल वी आर बिग फैंस ऑफ दिस शो एंड सलमान हम क्रेजी फैंस हैं आपके। थैंक यू। एंड वी आर रूममेट्स एंड हमको आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। हाय सलमान। हाय कपिल। सलमान माय क्वेश्चन इज, आपने इतनी सारी देसी विदेशी लड़कियों को डेट किया है, हुम डू यू थिंक इज बेस्ट, देसी और विदेशी? जो भी उस टाइम पर है ना बेस्ट है। आपकी शादी होगी कि नहीं अभी? नो कर लो उनसे। उधर आपने देखा नहीं, हाथ भी लाया जैसे आजाद उम्मीदवार नहीं जीता ये। अच्छा ध्यान से देखिए ये शख्स, ये हमने एक कॉम्बिनेशन में नया चीज शुरू करने जा रहे हैं, आठ सही सामूहिक विवाह हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। तो दीदी आप बताइए कैसी लगी आपको? बताइए ना, क्या हरे रंग की कमीज तो पहननी है और क्या चाहिए? ग्रीन सिग्नल आ रहा है क्या? मैं आपको कैसा लड़का चाहिए, देसी के विदेशी? देसी। तो ये क्या है, जर्मन से है? ही इज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर, बिलीव मी ही इज नॉट फ्रॉम नॉर्वे, जस्ट लगता है नॉर्वे से है नहीं। कैसा लड़का चाहिए बताइए, आप मुझे डिस्क्रिप्शन दीजिए एक लड़के का कि ये ऐसा लगे मैं ढूंढ दूंगा पक्का, प्रॉमिस। नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। सर रिश्ता पक्का है, जो बोलेंगे उसके साथ रिश्ता पक्का है। आपको आपने पक्का कर लिया, आपको पसंद लगे? दीदी को? दीदी कौन सी वाली, इधर वाली उधर वाली? दोनों में से कोई भी चलेगी। दोनों में से कोई भी चलेगी, दीदी ने हाँ कर दिया। मुझे तो सलमान जैसा ही लड़का चाहिए, और बेटर सलमान ही। अगर यहाँ पर किसी को खड़ा कर दो दीदी यहाँ कह देंगी। देखिए मैडम, व्हाट्स योर गुड नेम? सलोनी। सलोनी, सबकी यही ख्वाहिश रहती है कि हमें सलमान जैसा लड़का चाहिए, पर क्या करें अब पीस एक है, बायर्स बहुत ज्यादा है, तो क्या करें? इसलिए मैंने बोला सलमान जैसा, बट देन आई रियलाइज सलमान जैसा तो देयर इज नो वन। How sweet. सलमान जैसे रद्दी के भाव मिलेंगे आपको? नहीं नहीं देखो I'm तो sure. सही देखो नहीं, तो सही
दिखने बहुत देखा, नहीं मिले कोई. सो ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल. चलिए सलोनी जी, हमारी ऊपर वाले से ये दुआ है कि आपको सलमान जैसा ही कोई लड़का मिले. गुड लक. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. जी और कोई हमारे दोस्त? जी मैम. हाय कपिल. हेलो सलमान सर. हाय. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फिल्म्स के सबसे बड़े स्टार और टीवी के सबसे बड़े स्टार के सामने खड़ी हूँ. मेरे को साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया. सलमान सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मोहब्बत में होते हैं या रियल लाइफ में, तो आप किस तरह के प्रेमी हैं? तेरे नाम की राधे या फिर मैंने प्यार किया के प्रेम? स्टार्ट करता हूं. स्टार्ट कहीं करता हूं, खत्म कहीं होता है. क्योंकि आप सलमान हैं तो आप जहां भी स्टार्ट करें और जहां खत्म करें वो चल जाता है. आजकल बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है. आपका सवाल था कि प्रेम या राधे. स्टार्ट तो प्रेम से ही हुआ था, एंड में राधे बन जाता हूं. आपको किस कौन सा वाला रूप पसंद है इनको, प्रेम वाला कि राधे वाला? मुझे तो ये हर अवतार में पसंद है. हर अवतार में पसंद है. भगवान आपको लंबी उम्र दे क्योंकि आपने हमारे संडे सुधार दिए. नहीं अब तो सैटरडे भी आने लगा है. शुक्रिया सर. आई हैव अ रिक्वेस्ट. क्या आप प्लीज दो लाइनें कोई भी गाना गा देंगे? हमने सलमान खान को एक्टिंग करते देखा है, डांस करते हुए देखा है, अब एक गाना भी हो जाए. ये लो. भाई आपका कुछ मेरी बहना बहना मेरी बहना बहना मेरी बहना 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 बहना. आशना और किसी गाने की फरमाइश? बैठ भी जाओ ना. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त जो सलमान जी से बात करना चाहते हैं? जी आ रहा है जी, आ रहा आपके पास. कहाँ जाएगा आपको छोड़ के? आइए. इसलिए ये भाई साहब आपके साथ आए? वो मेरे पति जी है, भाई साहब नहीं. जी मैम. हेलो कपिल. हेलो सलमान जी. आपकी और मेरे हस्बैंड की एज बिल्कुल एक है और मेरी शादी हो चुकी है, तो आपका चांस तो गया अब. आई एम सो सैड. थैंक यू सो मच. पहली बार मुझे लाइफ में इतना दुख हुआ है ना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप कितने लकी हैं सर. सो स्वीट. आप कितने लकी हैं. सो स्वीट. वैसे यहाँ पे एक्साइटमेंट में आपको देख के ज्यादा बोल रही हूँ, वैसे ज्यादा बोलने वाली नहीं है मेरे ख्याल से. एक्चुअली यू आर राइट कपिल, बहुत कम बोल. मैं ऐसे कवर करता रहता हूँ बीच बीच, मेरा काम ही यही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी मैम. क्योंकि अभी आपने उनको भाई साहब बोला तो मैं तो बहन हुई ना, तो कवर. आपने दो मिनट में हमारी ऐसी की तैसी कर दी, उनका क्या हाल करती है क्या? जी मैम बोलिए. आपसे अब मैं इतना चाहती हूँ कि आपका जो फिजिक है वैसा फिजिक बनाने के लिए मेरे हस्बैंड को कुछ टिप्स दीजिए आप. वो मेरे को झेल पाए. देखो फिजिक उन लोगों की बनती है जिन लोगों को शर्ट उतारना पड़ता है. हाँ वो बात तो है. इनको बाहर शर्ट उतारने की परमिशन दे दो, खुद ब खुद बन जाएगी. क्यों ऐसे क्यों? बिल्कुल उनका फिजिक ऐसा है. भाई कुछ टिप्स? कुछ नहीं, परफेक्ट जा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पत्नी आपकी ऐसी इतनी अच्छी है, आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
जितने जल्दी छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. सलमान भाई, आज आपके साथ वक्त का पता नहीं चला और हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि आप अभी उनसे और बातें करें. तो मैं अपने दर्शकों से सलमान भाई के बिहाफ पे वादा करता हूं कि सलमान खान कल तक बने रहेंगे यहीं पे हमारे साथ. और सलमान जी, आपको मैं वादा करता हूं कि आपको कल और भी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी. और दर्शकों, कल यहां पे होने वाली है और ढेर सारी मस्ती, क्योंकि कल यहां पे आ रही है जय हो की हीरोइन डेजी और साथ में मेरे प्यारे दोस्त माय ब्रदर सोहेल खान. तो देखते रहिए कॉमेडी नाइट विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.